हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें लिमिट्स का एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो जे मेन 2020 3 सितंबर शिफ्ट 1 में पूछा गया था। आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन, लेट ब्रैकेट ई डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू टी इफ फॉर सम लैम्डा बिलोंग टू रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0 एंड 1। लैम्डा की वैल्यू 0 और 1 नहीं होनी चाहिए, 0 और 1 के अलावा कुछ भी हो चलेगा लैम्डा के लिए, ठीक है। और दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स अपॉन लेमडा माइनस एक्स प्लस ब्रैकेट एक्स होल मॉड इज इक्वल टू एल, ठीक है। देन एल इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पर लेमडा अननोन, एल अननोन और आपसे एल की वैल्यू पूछी जा रही है, कैसे निकालोगे। तो मैंने आपको लिमिट्स में पढ़ाया हुआ है, उसमें मैंने बताया कि जब अननोन सॉल्व करना होता है तो आपको RHL को उसके बराबर कर देना है और LHL को भी उसके बराबर कर देना है। देखो, अननोन्स जब निकालना होता है ना, तो यहाँ पर या तो फाइनाइट क्वांटिटी होगी या तो इनफाइनाइट क्वांटिटी होगी, ठीक है। मतलब x टेन टू इनफाइनाइट लिखा है या x टेन टू माइनस इनफाइनाइट लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट लिखा हुआ है तो उस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। मैंने लिमिट से बता रखा है लिमिट चैप्टर में, जिनको देखना होगा देख सकते हैं वहाँ पे। और अगर यहाँ पे फाइनाइट क्वांटिटी लिखी हुई है, 0, 1, 5 कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, इसका RHL भी L के बराबर करना होता है। मतलब जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, कभी कभी होता है 7 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है। तो जब ऐसे कभी लिमिट दिया हुआ हो तो RHL भी इसके बराबर, LHL भी इसके बराबर, ऐसा करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा मैं बता दूं तुम्हें वैसे पता ही होगा, अगर x * a लिखा हुआ है तो RHL निकालने के लिए आपको x बराबर a प्लस h रखना होता है और LHL निकालने के लिए x बराबर a माइनस h रखना होता है, ठीक है। a प्लस h का मतलब ये हुआ a से थोड़ा सा अधिक, ठीक है, और h की वैल्यू 0 से अधिक होती है पर 0 के पास होती है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, कभी h के बारे में ये मत भूलिएगा, ठीक है। h की वैल्यू 0 से ज़्यादा और 0 के पास, ऐसे समझ लो h बराबर कुछ ऐसा है, कुछ इस टाइप से। अभी पॉइंट वन में 30 लगाया है, कितना जीरो लगाओ, पॉइंट के बाद मान लो 1000 बार जीरो लगा के, ठीक है, मतलब बहुत छोटा मगर पॉजिटिव, और ये करेक्ट जीरो नहीं होता, जीरो के पास होता है, ठीक है। तो मैंने अपनी सहूलियत से थोड़ा एच को समझाने की कोशिश किया कि हाँ एच के लिए जीरो से ज़्यादा होता है, जीरो के पास होता है, ठीक है। फिलहाल RHL LHL निकालने का सिस्टम ये है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें मॉडुलस के बारे में जानना चाहिए और ब्रैकेट एक्स के बारे में जानना चाहिए। मॉडुलस के बारे में तो कई बार चर्चाएँ हो चुकी हैं, ठीक है। तो मॉड के अंदर 0 प्लस एच है, मॉड के अंदर 0 माइनस एच है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, मॉड एच, और इसकी वैल्यू एच ही आती है, ठीक है। अभी एच को 0 नहीं कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि मॉड के अंदर अगर 0 जा, अरे 0 प्लस एच या 0 माइनस एच डालते हैं तो होता क्या है, ठीक है। और यहाँ पर देखो माइनस एच आता है, ठीक है भाई, 0 माइनस एच मतलब माइनस एच, मॉड के अंदर माइनस एच, और चूंकि ये पूरा ओवरऑल नेगेटिव क्वांटिटी है तो माइनस इंटू माइनस एच कर देते हैं या एच ही कह देते हैं। मॉड के अंदर माइनस एच जो है वो जो है एच के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो मॉड में तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ब्रैकेट के अंदर 0 प्लस एच है तो क्या करते हैं और ब्रैकेट के अंदर 0 माइनस एच है तो क्या करते हैं, इसको भी मैं पढ़ा रखा हूँ लिमिट्स में ही, ब्रैकेट फंक्शन में कैसे क्या करते हैं। तो देखो इसमें आएगा ब्रैकेट एच, और ब्रैकेट एच का मतलब होता है 0, जैसे 0.001 थोड़ा सा अंदाजा लगाने के लिए इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। और अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस एच हो जाए तो बच्चों कितना आएगा आपको पता है, -0.0001 इसकी वैल्यू क्या आएगी आपको पता है ना, अगर ये इंटीजर नहीं है तो उस जो भी कुछ लिखा हो उसे जस्ट छोटा वाला इंटीजर आंसर होता है, जस्ट छोटा वाला इंटीजर, ठीक है। तो इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर क्या है भाई, -1 है, ठीक है। चलो फिलहाल ये -1 के बराबर होता है, इतना तुम्हें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर माइनस एच तो ये -1 आएगा, ठीक है, और क्योंकि ये करेक्ट 0 नहीं है ना, तो माइनस नेगेटिव में थोड़ा सा भी गया तो ब्रैकेट ने उसको कहा चलो -1 के पास, ठीक है। ब्रैकेट क्या करता है, अगर कोई इंटीजर नहीं है, ब्रैकेट के अंदर इंटीजर नहीं है तो वो एक स्टेप नीचे गिरा देता है, जाओ नीचे क्या कर रहे हो यहाँ पे, ब्रैकेट के अंदर 5 है तो 5 करेक्ट, ब्रैकेट 7 7, ब्रैकेट 9 9, और ब्रैकेट 8.5 तो 8.5 ब्रैकेट को अच्छा नहीं लगता, वो कहेगा अरे चलो यार नीचे तुम इंटीजर बनोगे अभी, तो 8.5 को एक थोड़ा सा नीचे करके ब्रैकेट 8.5 8 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ब्रैकेट क्या करता है, उसकी वैल्यू इंटीजर आती है, ब्रैकेट की वैल्यू हमेशा इंटीजर आती है, अगर उसके अंदर इंटीजर है तो इंटीजर ही आएगा, और अगर नॉन इंटीजर है तो उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर, ठीक है। तो ये कहानी होती है, बस इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कुछ है नहीं। अब देखो एक्स टेंडिंग टू 0 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू एल के बराबर है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इसका RHL, RHL जो है
एल के बराबर होना चाहिए। तो आर एच एल के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, आर एच एल बराबर एल होना चाहिए, ठीक है, और एल एच एल बराबर भी एल होना चाहिए, चलो उसको बाद में लिखेंगे। तो आर एच एल बराबर एल करने के लिए एक्स जहां जहां पे है वहां पे जीरो प्लस एच कर दो, ठीक है, तो वन माइनस जीरो प्लस एच, ठीक है, और प्लस जीरो प्लस एच इसके बारे में तो फैमिलियर हो ही गए हो, और लेमडा माइनस जीरो प्लस एच, ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन को ऐसा समझो कि वैसा मिलता जुलता कहीं और अब मिलेगा तो हम कर ले जाएंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं कि बस यहां पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता चला जाऊं, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करा करा के बस पूरा जो है भर डालूं, ऐसा नहीं। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय तुम्हारा अप्रोच बने, अगर वैसा मिलता जुलता फ्यूचर में कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो फिर तुम्हें फायदा हो जाए, ठीक है। इसलिए हम लोग इसकी सारी बातों को देख के चल रहे हैं, ठीक है, और जब तुम्हें सारी बातें पता होंगी ना तो एग्जाम में एक एक मिनट में आंसर निकाल लोगे, बहुत होगा दो मिनट, और अगर कोई क्वेश्चन दस दस मिनट या तुम्हें ऐसा लग रहा हो कभी कि कोई क्वेश्चन है वो दस मिनट में सॉल्व होगा या ज़्यादा समय ले रहा है तो यार उसको सॉल्व ही मत करो, तुम ऐसे क्वेश्चंस को वहाँ अटेम्प्ट करो जो तुरंत सॉल्व हो जा रहे हैं, और ऐसे बहुत क्वेश्चंस होते हैं जो तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और जो मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए बहुत लेंदी है वो आधे घंटे में सॉल्व होगा, उसको घर पे आके सॉल्व कर लेना, एग्जाम हॉल में उधर सॉल्व मत करना, ठीक है। नहीं तो अगर वहां पे तुम आधा घंटा लगाओगे क्वेश्चन को ना तो फिर आसान वाले क्वेश्चन घर पे मिलेंगे और कहेंगे हमें क्यों नहीं सॉल्व किया, और तुम्हें चिढ़ाएंगे मुंह बना के, ठीक है। तो आप लोग जो है अगर तुम्हें लग रहा हो कि कोई क्वेश्चन लेंदी है बड़ा है समय अधिक लगेगा तो उसको आप वहां एग्जाम हॉल में सॉल्व करने से बचोगे। एग्जाम हॉल में आप वो आसान क्वेश्चन कर लोगे, 90% होते हैं बहुत आसान होते हैं, ठीक है, तो आप उनको पहले कुछ सॉल्व कर लोगे, अगर समय बच जाए तब आप बड़े बड़े जो आपको जो लग रहा है कि बड़ा सल्यूशन है जिसका फिर आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो पहले आसान क्वेश्चन को टच करना चाहिए, और आसान बहुत होते हैं, अगर कहीं बीच में कोई बड़ा लग रहा हो तो उसको अवॉइड करना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। तो फिलहाल आर एच एल बराबर एल लिखा हुआ यहां पर, ठीक है, तो लैम्डा माइनस जीरो प्लस एच और यहां पर ब्रैकेट जीरो प्लस एच कर दोगे, ठीक है, चलो कर दिया, ये एल के बराबर है, ठीक है। अब इसी कहानी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, देखो आर एच एल के लिए समझ में आ गया ना, जहां पे एक्स लिखा हुआ है ना जीरो प्लस एच कर दिया, जीरो प्लस एच जीरो प्लस एच जीरो प्लस एच जीरो प्लस एच, ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया, ग्रेट। अब इसके बाद बच्चों ये वन माइनस एच आ जाएगा, उधर प्लस एच आ जाएगा, नीचे क्या आएगा पता है आपको, लेमडा माइनस एच, और इधर देखो जीरो आ जाएगा, ये एल के बराबर, ये कैसे हो गया। और हाँ यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो लेके चलना, आर एच एल बराबर एल, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे तुमने जीरो प्लस एच लिखा है ना, तो एक इन्फॉर्मेशन देते हुए चलो भैया एच बहुत छोटा है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये देते रहो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो देते रहो, ठीक है, हाँ अच्छा चलो भैया ये आ गया, हाँ तो फिलहाल अब इसके बाद क्या करोगे, ये दोनों तो वैसे ही कट जा रहे हैं, एच के लो जीरो के पास है तो यहाँ आप जीरो ही कर दो, ठीक है, और ये ओवरऑल आ रहा है वन अपॉन लैम्डा पर होल मॉड बराबर एल, ठीक है, तो ये आया मतलब वन अपॉन मॉड लैम्डा इज इक्वल टू एल, ये रिजल्ट निकला इस साइड से, ठीक है। तो भैया आर एच एल बराबर एल करने पर हमें ये रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, अब चलो जरा एल एच एल बराबर एल कर लिया जाए, है ना, चलो भैया एल एच एल बराबर एल कर लिया जाए, एल एच एल बराबर एल, तो एल एच एल के लिए क्या करते हैं आपको पता है ना, क्या करते हैं एक्स बराबर जीरो माइनस एच रखते हैं, और यहाँ पे एक्स बराबर जीरो प्लस एच रखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आर एच एल के लिए, और ये ध्यान रखिएगा एल एच एल के लिए, और ऐसा कभी भी आएगा तो यही करना, ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स इंटू फाइव लिखा हुआ तो फाइव प्लस एच करके आर एच एल निकालना है, फाइव माइनस एच करके एल एच एल निकालना है, तो फिर एल एच एल बराबर एल, तो चलो ठीक है, तो लिमिट एच टर्निंग टू जीरो जहां जहां एक्स है वहां पर जीरो माइनस एच छाप दो, तो वन माइनस जीरो माइनस एच, और उधर कितना आएगा मॉड के अंदर जीरो माइनस एच, ठीक है, और नीचे क्या आएगा लैम्डा माइनस जीरो माइनस एच और प्लस ब्रैकेट के अंदर जीरो माइनस एच, ठीक है, ये बराबर है, ठीक है, चलो ठीक है भाई, आर एच एल बराबर एल कर लिया, एल एच एल बराबर बी एल कर लिया, देखते हैं इधर से क्या आता है, तो इधर देखो कितना आ रहा है वन प्लस एच, और इधर भी प्लस एच ही आएगा, मॉड के अंदर माइनस एच प्लस एच, ठीक है, और नीचे, और ये सब जानते हो एग्जाम बहुत जल्दी करना है तुम्हें, इसमें देर नहीं लगानी है, तुरंत हो जाना है, और मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा होता है, ठीक है, अगर आपको आता रहता तो बहुत जल्दी कर लेते हो, और यहाँ पर देखो कितना आएगा ब्रैकेट के अंदर माइनस एच, तो ये माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, ये बराबर एल, ठीक है, और लिमिट अभी लगा दो, अभी एच लिखा हुआ है तो एच के लिए इन्फॉर्मेशन देते रहो, ठीक है,
चलो अब इसके बाद क्या होगा, अब ये देखो, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना ये है कि वन प्लस टू एच लिखा हुआ है और एस टेंडिंग टू जीरो है, तो एच को जीरो ही रखा जा सकता है। तो ये आ जाएगा वन अपॉन लैम्डा माइनस वन पर होल मॉड इज इक्वल टू एल, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या किया, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, एच की वैल्यू जीरो के पास है, तो इन तीनों को आप जीरो बनाने में कोई दिक्कत थोड़ी ना, कोई रो थोड़ी ना रहा है, मतलब कोई अनडिटर्मिनेट फॉर्म थोड़ी ना बन रहा है कि एच की वैल्यू हम जीरो नहीं रख सकते, ठीक है। तो जब मौका लगता है एच की वैल्यू जीरो भी रख देते हैं लास्ट में, ठीक है। तो फिलहाल ये आ गया, मतलब ये आ गया आपका वन अपॉन मॉड लैम्डा माइनस वन बराबर एल, ठीक है। तो इधर से ये रिजल्ट था और इधर से ये रिजल्ट है, बस इन्हीं दोनों का यूज कर लो, आंसर आ जाएगा। इन दोनों का मतलब ये हुआ कि मॉड लैम्डा इज इक्वल टू मॉड लैम्डा माइनस वन और लैम्डा इज इक्वल टू भाई प्लस माइनस लैम्डा माइनस वन, ठीक है। अगर हम इसमें प्लस लेते हैं तो लैम्डा बराबर लैम्डा माइनस वन ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ से कोई आंसर नहीं आएगा, ठीक है, अगर प्लस साइन लेते हो तो। और तुम्हें पता है ना, मॉड हटाने के लिए हम लोग प्लस माइनस करते हैं और एक तरफ लगाते हैं, एक तरफ किसी एक तरफ प्लस माइनस लगा दो, ठीक है। अब देखो यार, मॉड वाई बराबर मॉड एक्स लिखा हुआ है, तुम प्लस माइनस वाई बराबर प्लस माइनस एक्स थोड़ी ना लिखने बैठे हो भाई। प्लस इधर लोगे, प्लस इधर लोगे तो वाई बराबर एक्स मिलेगा, माइनस इधर लोगे, माइनस इधर लोगे तो भी वाई बराबर एक्स ही मिलेगा, तो क्या फायदा। इधर प्लस उधर माइनस, इधर माइनस उधर प्लस लोगे तो भी एक ही रिजल्ट मिलेगा। तो इसीलिए एक तरफ ये नहीं लगाते, ठीक है, एक ही तरफ लगाते हैं प्लस माइनस, ठीक है। थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए आपको। और इधर से कितना आएगा, लैम्डा बराबर माइनस लैम्डा माइनस वन, अगर माइनस साइन लेते हैं तो देखें क्या होता है। तो लैम्डा बराबर माइनस लैम्डा प्लस वन, और तो इसके बाद आ जाएगा टू लैम्डा इज इक्वल टू वन या लैम्डा इज इक्वल टू वन बाई टू, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू वन बाई टू आ गई, और जब लैम्डा की वैल्यू वन बाई टू आ गई बच्चों, तो जाहिर सी बात है तुम यहाँ पे वन बाई टू रख दो या यहाँ पे वन बाई टू रख दो, एल की वैल्यू तो आ जाएगी। जब यहाँ पे वन बाई टू रखोगे भाई, वन अपॉन मॉड लेमडा, वन अपॉन मॉड लेमडा इज इक्वल टू एल है, और लेमडा की वैल्यू जब वन बाई टू रखोगे, ठीक है, तो ये कितना आएगा, टू बराबर एल, ठीक है। हाँ समझ में आ रहा है भाई, मॉड लिखा हुआ है, इसके बाद क्या कर दोगे, वन अपॉन वन बाई टू बराबर एल, तो यहाँ से कितना जाएगा, टू बराबर एल, समझ में आ रही बात। तो ये आंसर हमारा फाइनल हो गया, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू, और सॉरी एल की वैल्यू जो है वो टू के बराबर होगी, और इसका आंसर लैम्डा इज इक्वल टू टू, समझ में आ रही बात बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, यहां पर एल की वैल्यू 0.5 के बराबर है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आज का हमारा क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन लेके हम लोग मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय।